बनाना। ये झूमर बहुत ही जितना देखने में सुंदर है उतने बनाने में इजी भी है और देखने में उतने खूबसूरत भी लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब के पास जो छोटे से बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए आप उसे सबसे पहले देख सकें। तो उसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए सबसे पहले आप वो देख लें। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है जो कि 9x9 साइज का है, और एक प्लेन पेपर शीट ली है जो कि बिल्कुल प्लेन है, और मैंने ग्लिटर सीट ली है। ये देखिए अलग अलग कलर्स के मैंने लिए, आप जो भी कलर आपको जो पसंद हो आप दूसरे कलर्स भी ले सकते हैं, मैंने तो ये 3-4-5 कलर लिए हैं। और इसके लिए हमें एक ग्लू गन की जरूरत होगी। मैंने फ्लावर्स लिए हैं, ये मार्केट में बहुत इजी भी अवेलेबल होते हैं, फोम फ्लावर्स हैं, देखिए ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं तो मैंने ये लिए हैं। मैंने क्रिस्टल फ्लावर लिए हैं जो कि देखिए मैंने बाहर निकाल के रखे हुए हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। कुछ थर्माकोल बॉल्स लिए मैंने, फेविकॉल लिया है, सुई धागा लिया है हमने, और हमें एक सीजर की जरूरत होगी। ये देखिए ये मैंने मोती की लड़ी ली है, इस तरह से कलरफुल मोती हैं, आप चाहे जैसा ले सकते हैं, चाहे तो व्हाइट ले सकते हैं या कलरफुल ले सकते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले मैंने एक ग्लिटर सीट ले ली है, अब इसे हम उल्टा कर लेंगे, और उल्टा करके इस पे आप जिस भी शेप में बनाना चाहें, मैं तो हार्ट शेप में बना रही हूँ इसलिए हार्ट शेप ड्रॉ कर रही हूँ, आप इसे सर्कल स्क्वायर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा शेप तैयार हो गया है, अब इसे हम सीजर की हेल्प से इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये इस तरह हमारा हार्ट शेप का देखिए तैयार हो गया है। इसी तरह हम जो जितनी भी ग्लिटर सीड्स लिए हैं ना उसमें इसी तरह के शेप पूरे काट लेना है। ये देखिए ये मैंने इस तरह से ग्लिटर सीड्स को कटिंग कर ली है स्क्वायर शेप में, हार्ट शेप में इस तरह से। ये देखिए ये मैंने कार्डबोर्ड ले लिया है, और उसके नीचे जो व्हाइट पेपर सीट ली थी मैंने वो देखिए उस पे इस तरह से फेविकॉल लगा लेना है। तो ये देखिए फेविकॉल लग गया है, और अब मैं इसे इस तरह मोड़ दूंगी, फेविकॉल ये हमारे पूरे कार्डबोर्ड में चिपक जाएगा, तो इस तरह से ये पेपर चिपक जाएगा इस पे। तो ये देखिए ये इस तरह हमारा पेपर पूरा इस पे कार्डबोर्ड पे सट गया है। अब हम एक और पेपर सीट लेंगे और इसे भी इसके ऊपर इसी तरह चिपका देंगे। तो ये देखिए इस तरह इसे मैंने उल्टा करके रखा है, और अब इसके ऊपर भी मैं फेविकॉल लगा रही हूँ, और अब इसे भी इसी तरह फोल्ड करके सटा देना है। तो देखिए ये इस तरह हमारा पूरा कवर हो गया है ये कार्डबोर्ड। तो ये देखिए ये हमारा पेपर कवर हो गया है, अब हम इसमें स्क्वायर मतलब ड्रॉ करेंगे। तो मैंने फर्स्ट स्क्वायर ड्रॉ की है 7x7 की, फिर सेकंड स्क्वायर ड्रॉ की है मैंने 5x5 की, और थर्ड जो स्क्वायर मैंने ड्रॉ की है वो 3x3 की। ये जो हमने फूल लिए थे देखिए इसमें से अब मैं एक फूल अलग कर ली हूँ। अब इस फूल के देखिए नीचे में जो डंडी दी हुई है ना इसे मैं इस तरह फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए ये मैंने सुई धागा ले लिया है, तो अब मैं इसमें छोटे मोती जो हैं देखिए इसे मैं डाल दूंगी इसमें। अब ये जो मैंने फूल लिया था जो फूल का आगे का हिस्सा है ना उसे मैं सुई की तरफ लेके इसे इसमें डालूंगी। अब ये मोती डाल दूंगी, ये इस तरह से धागे के बिल्कुल जो धागा का लास्ट सिरा है वहां तक इसे पहुंचा दिया है देखिए इस तरह।
ये मैंने थर्माकोल बॉल्स लिए हैं, ये देखिए इसके, तो ये देखिए ये मैंने चार बॉल्स लिए हैं। अब देखिए जो हमने ये हार्ड कटिंग में से काटा था लीटर सीट को, इसे इसका पीछे से मैंने स्टिकर उतार दिया है और अब इसे इस तरह से इसके जो धागे पे धागा जो है एकदम बीचों बीच हमें रखना है और जो दूसरा पीस है ना उसे इसी के ऊपर सटा देना है। इसका भी मैंने उखाड़ दिया और अब ये दूसरा पीस इसी के ऊपर सटाना है। ये इस तरह इसको मोड़ते हुए ध्यान रखना है कि एकदम बीचों बीच होना चाहिए। अब इसको इस तरह से ऐसे देखिए खोल के, और ये देखिए इसे भी इस तरह मोड़ते हुए हमें तो ये देखिए इस तरह से ये तीन एक दूसरे से इस तरह से मैंने सटा दिए हैं और इसमें जो एक्स्ट्रा दिख रहा है थोड़ा सा वो सटाने पे ऐसा होता है उसे हमें बराबर कट करके ठीक कर देना है। ये देखिए ये इस तरह से मैंने तीनों तरफ देखिए एकदम बराबर कर दिया। थोड़ा सा अगर लग रहा है आपको भी कटिंग आगे पीछे है तो आप उसे सीजर की हेल्प से कट के बराबर कर दीजिए। अब इसके ऊपर मैं फिर चार थर्माकोल बॉल जो है उसे लूंगी। तो ये देखिए ये इस तरह ये हमारी फर्स्ट लेयर बन रही है। इसी तरह हमें और भी बना लेना है। तो अब जो है ये हमने स्क्वायर जो बनाया था, ये देखिए अब जो ये हमने स्क्वायर बनाया था ना उसमें दो दो सेंटीमीटर से नाप के मैंने इस तरह से देखिए डॉट लगा दी है। इसी तरह आगे सब में डॉट लगा देना है। ये देखिए ये अब मैंने सुई को दूसरे साइड से निकाल लिया है ये इस तरह से, और अब यहाँ पे हमें एक गांठ लगा देनी है। ताकि ये बिल्कुल वहां पे सेट रहे। जैसे दो तीन बार करके अच्छे से गांठ लगा देनी है। तो ये देखिए नॉट लगाने के बाद अब मैं जो थोड़ा सा दूसरी तरफ से इसे सुई को इस तरह से दूसरे साइड घुसाऊंगी और ये इस तरह मैंने दूसरे साइड निकाल लिया है सुई को। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दूसरे साइड निकालने के बाद जो ये मैंने जहां से घुसाया था ना उसी में देखिए इस तरह से इसे फंसा के निकालना है। और यहाँ पे भी मुझे नॉक लगा देना है। गांठ लग जाने से क्या होता है कि जो नीचे है वो खुलेगा नहीं और ढंग से वो सेट रहेगा, नहीं तो वो इधर उधर ढीला या टाइट होते जाएगा। इस तरह से देखिए बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे गांठ लगानी है। एकदम अच्छे से टाइट कर देना है और अब इसे काट देना है। अब जो है हमें इसी तरह ये सारा मतलब धागे में पो के इस तरह ये जो मैंने स्क्वायर बनाया है ना इसमें ये फर्स्ट लेयर का मैं बताई हूँ आपको, ये फर्स्ट लेयर में आपको पूरे में इसी तरह लगा देना है। तो ये देखिए ये हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है लगा हुआ। अब हम सेकेंड लेयर स्टार्ट करेंगे। यहाँ भी हमने दो दो सेंटीमीटर का गैप दिया है। देखिए पहले में हमने पूरा उसमें ड्रॉ कर दिया है। अब हम सुई धागा लेंगे। अब ये थर्माकोल बॉल मैंने लिया सबसे पहले,
फिर ये क्रिस्टल फ्लावर जो मैंने लिया था वो लूंगी। ये मैंने छोटा मोती लिया है। फिर थर्माकोल बॉल, ये चार पीस मैंने थर्माकोल बॉल इसमें सुई में डाल के निकाल लिया। अब हम जो ये स्क्वायर जो मैंने काटा था ग्लिटर सीट को वो लूंगी। और देखिए उसका पीछे का उतार के अब इस धागे पे ये देखिए इस तरह उसे इस तरह सेट कर देना है दोनों पीस को। बिल्कुल इक्वल लगाना है, ये देखिए इस तरह लग गया। अब फिर से ये देखिए, ये फिर से मैंने चार बॉल थर्माकोल के ले लिए सुई में। अब फिर जो है वैसे ही जो ग्लिटर सीट कटी हुई है उसे उसी तरह बस हटा देना है। ये इस तरह से फिर से मैंने लगा दिए हैं। अब फिर चार पीस थर्माकोल बॉल लूंगी। तो ये देखिए ये इस तरह हमने बना लिया है, क्योंकि इसकी लड़ी थोड़ी लंबी होगी। हम वापस इस कार्डबोर्ड को ले लेते हैं और इसमें इसी तरह जैसे हमने पहले सुई डाली थी वैसे सुई निकालनी है। ये इस तरह निकाल के बस पहले की तरह इसमें गांठ बांध देना है। तो ये देखिए ये इस तरह से, अब इस तरह से पूरे स्क्वायर में इसी तरह लड़ी लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सेकेंड लेयर बन गई है। फर्स्ट लेयर पहले हमने ये पीले फूल वाली बनाई और अब ये नीचे सेकेंड लेयर बना दी है। अब हम थर्ड लेयर बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने थर्ड लेयर के लिए स्क्वायर बना के उसमें बराबर साइज में एक एक इंच का गैपिंग देते हुए हमने इस तरह से डॉट्स लगा लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम थर्ड लेयर बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले छोटा मोती लगाना है। तो ये जो मैंने पिंक फ्लावर लिया था ना उसे लगा लिया है। फिर एक बड़ा मोती, फिर चार पीस थर्माकोल बॉल और ये इस तरह से हार्ट लगाना है। तो इस तरह से करके ये हार्ट का देखिए मैंने, तो ये देखिए ये इस तरह से मैंने पांच हार्ट लगाए हैं और सब में वैसे बॉल लगा के इस तरह आपको थर्ड लेयर की लड़ी तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए, ये जो मैंने डॉट लगाया था ना उसमें सुई डाल देनी है, जो लड़ी पोई भी है उसे पीछे की तरफ से खींच के बस अब इसे पीछे की तरफ गांठ इसमें लगा देनी है। तो देखिए ये हमारी थर्ड लेयर भी तैयार हो गई। इस तरह से ये तीनों लेयर तैयार हो गई है और देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये देखिए, ये ऊपर हम चारों तरफ जो है ये चार कोने हैं तो चारों कॉर्नर पे धागा लगा देंगे ताकि झूमर सेट हो। तो उसके लिए तो हम चार जो धागे हैं उसको चार पीस में अलग अलग दो दो धागा का बराबर साइज का इस तरह से तोड़ के उसको सुई में पिरो लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह मैंने इसमें धागा बांध दिया है ये चारों तरफ। और उसके बाद ये बीच में सेंटर में उन चारों कॉर्नर्स को ऐड करके ये मैंने ये देखिए इस तरह इसमें एक मोती डाल दिया है। तो देखिए, अब मैंने एक रिंग ली है, आप कोई भी रिंग ले सकते हैं। इसमें कलरफुल रिंग्स भी आती हैं, आपको कलरफुल लेना तो कलरफुल ले सकते हैं। इसको मैं इस तरह जो बीच में सेंटर में मैंने चारों को ऐड किया है वहां से एक धागे को लेके और इसमें एक मैंने मोती लगा दिया था, उस मोती में से मुझे इसे निकाल देना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह इसमें रिंग में धागा बांध दिया है, नीचे मोती लगा दिया है। इससे हमारा जो झूमर का बैलेंस है ना बिल्कुल इक्वल रहेगा।
और जो ये हमारे एक्स्ट्रा धागे ऊपर दिख रहे हैं ना, इसे मैं काट दूंगी। ये हमारा प्यारा सा झूमर बनके तैयार हो गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे बना के घर में लगाइए, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। पसंद आए तो जरूर बनाइए और अपने कमेंट्स मेरे इनबॉक्स में जरूर डालिए कि आपको कैसा लगा। और मैं आपसे फिर अब नए वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। थैंक यू।